तो व्यूवर्स, एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। आप देख सक रहे हैं कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। आइडिया करें। बहुत सारे लोगों ने पूछ लिया। हाँ, तो हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का, मज़ेदार किस्म का पराठा, वेजिटेबल पराठा। तो देखें, यहाँ मैंने लिया है ये बेसन लिया हुआ है यहाँ पर, और इधर मैंने लिया है वीट फ्लावर, गंदुम का आटा। ठीक है, तो दोनों को मैंने हम वजन लिया है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, हल्दी है यहाँ पर, जो है ये हरी मिर्च थी, ये लाल हो गई थी, इसको मैंने कट कर लिया। खूबसूरत लग रही है, देखें, रंग बिरंगा पराठा। तो यहाँ पर जो है ये है मीठा सोडा, ठीक है, धनिया ले लिया है मैंने यहाँ पर, यहाँ पर ली है कसूरी मेथी, ठीक है, ये कसूरी मेथी है, इसको मैंने अच्छा सा क्रश कर लिया था। यहाँ लाल मिर्च है पिसी हुई। यहाँ पर अभी मैंने जो बनाया था ना आलू का जबरदस्त सालन, तो उसमें से जो आलू थोड़ा सा बच गया था तो वो मैंने ले लिया यहाँ पर। प्याज कट करके ले लिए यहाँ पर मैंने, और यहाँ लिया है गरम मसाला। ठीक है, तो इन सबको पहले हम मिक्स कर लेते हैं अच्छा सा। भूनने की भी ज़रूरत नहीं है हमें आज, और ना हमें इसको बेलन लेने की ज़रूरत है कि बेलें और बेल के बनाएं, ये सब कुछ नहीं होगा। इसको हम ज़बरदस्त किस्म तरीके से बनाएंगे, आसान तरीके से। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे आपको पराठा बनाने में। तो यहाँ मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, यहाँ मैं दूध ऐड करूँगी, दूध के साथ इसको मिक्स करूँगी। थोड़ी ज़रूरत पड़ी तो पानी मिला लूँगी। ठीक है, ये देखें, इस तरह से पहले सारी चीज़ें मिला ली हैं। नमक भी इसमें ऐड कर दिया था, नहीं नमक ऐड नहीं किया था, नमक मेरे बराबर में पड़ा हुआ है, तो नमक ऐड कर लेते हैं। हसबे जायका यहाँ पर लिया है मैंने नमक, और 1 टेबल स्पून मैंने ली है चीनी। ठीक है, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दूध ऐड कर रहे हैं, ये दूध ऐड हो गया इसके अंदर, इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छा सा दूध डालकर, और इसको मैंने ये कंसिस्टेंसी आप देख सक रहे हैं इसकी, ठीक है, ये बना ली है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं काली मिर्च। ठीक है, हसबे जायका ऐड कीजिएगा, मसाले आप अपनी मर्जी के ऐड कर सकते हैं, और जो चीज़ें चाहें, वेजिटेबल चाहें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, हरी प्याज, शिमला मिर्च, ये चीज़ें भी डाल सकते हैं। चाट मसाला भी मैंने मिला दिया है, और यहाँ पर मैंने भी डाला क्या, काली मिर्च। ठीक है, तो अभी हमारा जो है ना अच्छा सा बैटर रेडी हो गया है। अब हम बनाते हैं इसके मज़ेदार किस्म के पराठे। तो आइए चल के बनाते हैं। तो पैन में मैंने घी डाल दिया, ये देखें इस तरह से, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं हम मज़ेदार पराठा। इसको फैला लेते हैं। तो ये देखें, एक साइड से ये बन गया है, तो हम पलट देते हैं इसको दूसरे साइड पर, और इसी तरह से हम सारे निकाल लेंगे। तो पराठे हमारे रेडी हो गए हैं, मज़ेदार किस्म के पराठे हैं, बहुत जायकेदार बनते हैं, और इसको हम खाएंगे अचार के साथ। ये होममेड अचार है, ये भी मैंने बनाया है, लेकिन मैंने इसकी रेसिपी आपको नहीं डाली है, तो बहुत जल्द आपको इसकी रेसिपी भी दे दूंगी। बहुत ही मज़ेदार अचार है और मज़ेदार किस्म के पराठे हैं, तो इंजॉय। मैं इसको टेस्ट करूंगी पहले। तो ये देखें, सिर्फ आप इसको रूखा भी खा सकते हैं, किसी चीज़ के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खा के बताती हूँ आपको। बहुत मज़ेदार, बिल्कुल नरम मुलायम, और जो जो चीज़ें हमने डाली हैं उसके फ्लेवर आ रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, मैं बताना भूल गई थी आपको कि मैंने इसमें अजवाइन भी ऐड किया था। तो अब इसको खाते हैं अचार के साथ, सब्जियों वाला अचार है, इसमें गुआर भी है, मिर्चे भी हैं, और क्या होते हैं वो लसोड़े, वो भी हैं, सब चीज़ें हैं इसके अंदर, कैरी, गाजर। तो इसके साथ मैं खाऊंगी, बहुत मज़ेदार, आउट क्लास, ज़रूर ज़रूर बनाइए। तो मज़ेदार किस्म के यहाँ पर पराठे मैंने बनाए, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और जल्दी जल्दी जाके अपने प्यारों को खिलाएं इन दुआओं के साथ, कि अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को सजाए रखे, आपको बहुत खुशियां दे, आमीन सुमा आमीन। राह सईद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।